हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वालिटी बाय जॉन गैल्सवर्थी टेक्स्ट का पार्ट फिफ्थ। इससे पहले हमने पार्ट फोर डिस्कस कर लिए, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में पार्ट फोर में मैंने पढ़ाया था उसके बारे में, वो छोटा सा पार्ट था, 4 मिनट्स का पार्ट था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो नरेटर है जब बोलता है कि एक मोमेंट मुझे बहुत याद आता है जब मैं उस मिस्टर गैसलर के पास गया और उसको मैंने बोला कि आपने जो शूज़ दिया था वो क्रैक हो गया है, तो फिर क्या हुआ, ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुडंट हैव क्रैक्ड। तो यहाँ पे बोलता है नरेटर कि बाद में मैंने जब उसको बोला गैसलर को और गैसलर मेरी तरफ देखा और बोला, सोचा कि ये कुछ कमेंट्स करेगा, कुछ स्टेटमेंट देगा, मगर जब मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया तो फिर उसने बोला, गैस्टन ने बोला कि ये जो शूज़ मैंने आपको दिया था ये क्रैक नहीं होना चाहिए था, इसको क्या हुआ, कैसे चीर हो गया इसको। इट डिड, आई एम अफ्रेड, बोलता है मैंने बोला हाँ ये क्रैक हो गया, क्या पता क्या हो गया। यू गॉड मैन विद बिफोर दे फाउंड देम सेल्स, आई डोंट थिंक सो। एट दैट ही लवर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned his grave thing। तो बाद में जो है मैंने जब उसको बोला तो बोलता है आपने उसको पहले ही देखना था, जब क्रैक जैसे हो गया पहले ही देखना था, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा। फिर बोलता है उसने जो गैस्टर ने क्या किया, उसने आँखें अपनी नीचे की और फिर मुझे जो है फील हो गया कि मैंने उसको ऐसे ही बोला कि आपके शूज़ क्रैक हो गए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये नरेटर को फील होता है, ठीक है। फिर गैस्टर बोलता है सेंड देम बैक ही सेड आई लुक एट देम आई ए फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माई क्रिकिंग बोर्ड सर्ज अप इन मी सो वेल कुड आई इमेजिन द सॉरफुल लॉन्ग क्यूरियसिटी ऑफ रिगार्ड विच ही वुड बेंड ऑन देम। बोलता है नरेटर, यहाँ पर नरेटर बोलता है कि उसने बोला सेंड, ये जेंड है ना, इसका मतलब है सेंड, सेंड देम बैक, उसने नरेटर ने उसने बोला गैसलर ने उसको वापस भेजो, भेजना उस शूज़ को जो क्रैक हो गया है, तो मैं उसको ठीक कर लूँगा। बोलता है मुझे कंपैशन, कंपैशन मतलब प्यार, उससे प्यार जैसा हो गया और उससे मतलब अच्छा फीलिंग हो गया, किसको, नरेटर को अच्छा फीलिंग हुआ कि उसने मुझे जो है मान लिया। बोलता है मैं इमेजिन कर सकता था उसकी जो सॉरोफुल मतलब उसको वो दुख हो गया कि यार मेरे दिया हुआ शूज़ कैसे ख़राब हो गया, किसको दुख हुआ, मिस्टर गैसलर को, क्योंकि वो अपने काम जो है डेडिकेशन के साथ करता था, बड़े लगन से अपना काम करता था, उसको भी जो है अच्छा नहीं लगा। फिर बोलता है सम बूट्स ही सेड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ इफ आई कैन डू नथिंग नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। यहाँ पे बोलता है नरेटर कि उसने मुझे बोला, उस गैसलर ने मुझे बोला कि कुछ बूट्स जो होते हैं वो पहले से ही ख़राब होते हैं, उनका लेदर ही ख़राब होता है जहाँ से हम लेदर लाते हैं, तो अगर वो ठीक नहीं हुए कुछ जो आपको मैंने दिया उसमें से अगर वो कुछ ख़राब निकला तो मैं जो है आपका बिल नहीं लूँगा, मैं आपसे पैसे उसके नहीं लूँगा। देखो कितना ईमानदार वो था मिस्टर गैसलर। वंस ओनली मतलब एक बार आई वेंट अब्सेंट माइंडली इंटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फेम्स ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर इंटीग्यूमेंट ऑफ माई फूट एट लास्ट ही सेड। बोलता है एक बार मैं जल्दी जल्दी जो है एबसेंट माइंडली एक कहाँ गया, एक फिर मैं गया एक बड़े मॉल में गया, नरेटर बोलता है मैं बड़े मॉल में गया इमरजेंसी में, मुझे शूज़ ख़रीदना था, उस वक्त गैसर की शॉप पे नहीं जा पाया तो मैंने वहाँ से शूज़ ख़रीदा और बाद में जो है जब मैंने वो शूज़ ख़रीदा फिर बोलता है ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग एनी लेदर, तो फिर क्या हो गया कि तो वो शूज़ जो मैंने लगाए थे फिरम से लेके वो लगाए थे, तो उसके बाद मैं किसकी शॉप पे गया, इसी गैसर की शॉप पे गया, फिर जब गैसर की शॉप पे गया तो वहाँ पे जो है उसने उस शॉप उस मेरे शूज़ को तो देखा मगर उसने मेरा ऑर्डर तब भी लिया, मैंने उसको जो ऑर्डर किया शूज़ का उसने ऑर्डर जो है तब भी लिया, मतलब मेरी जो लेदर था बोलता ना ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उसने मेरा जो है एकदम ऑर्डर लिया।
कुड फील हिज आइज पर, और उसका जो है उसकी आइज़ जो है मेरी तरफ, मेरी फूड की तरफ देख रही थी कि इसने किसका शूज़ लगाया है। मतलब कि यहाँ पे ये नरेटर बोलना चाहता है कि मैंने शूज़ कहाँ से लिया था, एक फेम से लिया था, एक मॉल से लिया था, जल्दी में इमरजेंसी में लिया था, फिर मैं गया उसके बाद जब टाइम मिला मैं गया गैसलर के पास शूज़ ऑर्डर करने, तो उस गैसलर ने जो है मेरी शूज़ की तरफ आराम से देखा मगर बोला कुछ नहीं। बट लास्ट में उसने बोला, बोलते ना एट लास्ट ही सेड, क्या बोला, दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब ये बूट्स मेरे नहीं हैं जो आपने लगाए हैं। किसने बोला, गैसलर ने बोला, गैसलर को लगा ये मेरा परमानेंट जो है कस्टमर है, तो ये शूज़ इसने कहाँ से लाया। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉर इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर on the place where the left boot endeavoring to be fashionably was not quite comfortable। तो बाद में जो बोलता है उसकी टोन जो थी मिस्टर गैसलर की वो क्वाइट मतलब गुस्से वाली नहीं थी ना तो दुख वाली थी, मतलब थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सा फील हुआ था उसके बारे में कि मैं उसका रेगुलर कस्टमर होने के बावजूद और कहीं से शूज़ लेता हूँ। उसने उस मेरे शूज़ को हाथ से पकड़ा और प्रेस किया और बोला कि जो है मतलब, और देखा कि वो एक जगह जो है कंफर्टेबल नहीं था, मेरे शूज़ जो है मैंने फेम से जो लिया था वो उतना कम्फर्टेबल नहीं था, वो गैसलर ने भी देख लिया। बोलता है इट वुड यू डेयर ही सैड Those big worms have no self-respect, trash, and then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. बोलता है यहाँ पे, बोलता है नरेटर कि उसने मुझे बोला कि वो दो जो बड़े फेम्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो है उसने उस अपनी कंडीशन को बयान किया। यहाँ पे जो है नरेटर को पता चल जाता है कि मिस्टर गैसलर की कंडीशन फ्रॉम बैड टू वर्स जा रही है, क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उसका जो उसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, शूज़ खरीदने वाले ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उसका बिजनेस जो है ख़राब हो रहा है। और वो क्लियरली है, ये क्लियर है कि ब्लेम जो है जाता है बिग फर्म्स पे, बड़े बड़े मॉल्स पे, बड़े बड़े शॉप्स और शोरूम्स पे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर उनका रद्दी माल भी हो तब भी उनका बिकता है क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मगर गैसलर जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who loaf our boots, who love our boots. It goes to this. Presently, I have no work. Every year, it gets less. You will see. यहाँ पे जो है नरेटर बोलता है कि उसने बोला, किसने बोला, मिस्टर गैसलर ने बोला, ये मिस्टर गैसलर की लैंग्वेज से बोला गया है, जब उसने बोला तो उसी के हिसाब से जो है लिखा गया है, ठीक है। ये राइटर ने गलती नहीं की बल्कि उसने उसको प्रेजेंट वैसे ही किया जैसे वो बोलता है। कौन, मिस्टर गैसलर बोलता है कि वो जो है सब कुछ ले, जो मतलब कस्टमर्स जो गेन करते हैं, बड़े बड़े फर्म्स वाले, बड़े बड़े मॉल वाले, वो क्या क्यों कर कैसे करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट से करते हैं। बड़े बड़े शोरूम वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं तभी उनके पास जो है कस्टमर्स जाते हैं और उनका काम चलता है। वो हार्ड वर्क नहीं करते बल्कि जो मतलब हार्ड वर्क नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारे बूट्स को कौन प्यार करेगा, हमारे से शूज़ कौन लेगा, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बोलता है प्रेजेंटली आजकल तो हमें कोई काम ही नहीं है, आजकल हमारा काम चल ही नहीं रहा है, सब कुछ ठप हो गया है। कौन बोल रहा है, ये मिस्टर गैसलर बोल रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई हैड नेवर नोटिस बिफोर बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो बोलता है कि जब मैंने देखा तो वहाँ पर जो है उसके फेस पर देखा तो वहाँ पर बड़ा मतलब sadness मुझे दिखा उसके फेस से, ठीक है, और फिर मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, अब वो जो है बड़ा कमज़ोर हो गया है, ग्रे हेयर्स हो गए हैं और बियर्ड जो है मतलब रेड हो गई है, अब वो जो है कमज़ोर हो गया है। कौन, मिस्टर गैसलर, क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा है, परेशानी बहुत है, बिज़नेस का परेशानी है, बिज़नेस का कंपटीशन है, उस अपने कंपटीशन को वो स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है।
तो वो ओल्ड ट्रेडिशन के ही शोज बना रहा है, अपने आर्ट पे ही फोकस कर रहा है, मगर जो एडवर्टाइजमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है, जो नीड ऑफ द टाइम है उस पे फोकस नहीं कर रहा है, तभी उसका बिजनेस जो है गिर जा रहा है। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द परचेज ऑफ दोज इल-ओमेंड बूट्स, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इम्प्रेशन एंड दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स नेमेसिस फेल, दे लास्ट मोर टेरेबली देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल कॉन्शियसली टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स। बोलता है मैंने जो है अपने तरीके से अच्छा किया, मैंने जो है मुझे पता चला उसके सर्कमस्टांसिस वैसे ही हैं, वहाँ के हालात ही वैसे ही हैं, तो मैंने उसके फेस टू फेस जब उसको देखा तो फिर मैंने जो है बड़े शूज़ मतलब कुछ जोड़े जो है ऑर्डर किए, शूज़ के कुछ जोड़े वहाँ से ऑर्डर किए मैंने। नेमेसिस मतलब जो दूसरे बिजनेस से जो है मतलब एक बंदा जो है एक बंदे की वजह से दूसरा बंदा जब गिर जाता है उसको बोलते हैं नेमेसिस। नेमेसिस जो है मतलब बड़े बड़े फर्म्स की वजह से उसका बिजनेस जो गिर गया था वो जो है बहुत परेशान था, और बोलता है जब मैंने वो शूज़ ऑर्डर किए तो वो बहुत देर तक रहे, ठीक है, और बोलता है आई वॉज नॉट एबल कॉन्शियस, और बाद में उसके 2 साल तक मैं उसके पास नहीं जा पाया। यहाँ पे ये नरेटर बयान कर रहा है उस गेस्टर की स्टोरी, ठीक है, किस गेस्टर की स्टोरी, जो शू मेकर था जो अपने भाई के साथ शू मेकिंग करता था, जो शूज़ बनाता था। ये था इसका 5th पार्ट, इसे आगे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को सारे वीडियोस को देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी सजेशन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसके सारे पार्ट्स देखोगे तो फ़ायदा होगा। थैंक यू।